भारत के इतिहास में जब असुरों ने ब्रह्मांड की शांति को भंग करने का प्रयास किया तो देवों ने उच्च शक्ति का आह्वान किया और प्रकट होते हैं दुर्गा माँ। असुरों के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद ब्रह्मांड को फिर से उनकी शांति दिलाने पर दुर्गा माँ उन देवों को उनके 32 नाम देते हैं। कहते हैं कि ये 32 नाम ऐसे नाम हैं कि अगर आज भी कोई इन 32 नामों का पाठ करता है तो देवी का आह्वान खुद हो जाता है, देवी आपके पास खुद आ जाती है और आपकी काफ़ी सारी बुराइयों को समाप्त कर देती है। इसके बाद भगवान श्री राम ने भी रावण के साथ युद्ध करने से पहले देवी माँ की साधना की थी, जिसे आज भारत के इतिहास में अकाल बोधन के नाम से जाना जाता है और इस साधना को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। नमस्कारम, इस साधना में आपका स्वागत है। ये जो साधना है ये स्वयं भगवान राम ने की थी और ये जो 32 नाम है ये स्वयं देवी माँ ने दिए थे। कहा जाता है कि 32 नामों का जाप करने से देवी का आह्वान होता है, लेकिन देवी का आह्वान जब होगा तो देवी को जगह चाहिए जहां पर देवी आकर आपके सामने बैठे, तो ये कैसे करना है आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये काफी पावरफुल है। आपको इसके लिए आवश्यकता होगी आपके घर में कोई भी छोटा सा कोना या फिर आपका मंदिर जहां आप हर रोज दिया जलाते हैं, क्योंकि दिया जलाना जरूरी है। आप इस साधना को नवरात्रि में कर सकते हैं, चैत्र नवरात्रि, शरद नवरात्रि, 9 दिन होते हैं, आप कोई भी नवरात्रि में कर सकते हैं। अभी चैत्र नवरात्रि आ रही है जब मैं ये साधना आपको सिखा रहा हूं, कल अमावस है और परसों से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप अमावस के दिन ये साधना को शुरू कर सकते हैं और नवरात्रि के 9वें दिन इस साधना को खत्म कर सकते हैं। तो अब आपको अमावस के दिन क्या करना है, आपको एक कॉपर की प्लेट लेनी है। हम सबके घर में पूजा पाठ की सामग्री होती है और इस प्रकार की कॉपर की प्लेट होती ही होती है। आपको यहाँ पर देवी के लिए, देवी का जब आह्वान होगा तो उनको बैठने के लिए एक जगह बनानी है जिसे यंत्र कहा जाता है। आपको इस कॉपर के साथ साथ आपको चाहिए कुमकुम, जिससे हम तिलक लगाते हैं, रेड कलर का कोई भी चलेगा, कुमकुम नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन रेड कलर का होना चाहिए क्योंकि लाल देवी माँ का रंग है। उसके बाद आपको इस कॉपर की प्लेट के अंदर पहले एक सर्कल बनाना है, उसके बाद आपको ट्रायंगल बनाना है जो कि आपकी साइड पॉइंटेड होना चाहिए। उसके बाद बीच में आपको एक टीका लगाना है, एक बिंदु बनाना है। ये बिंदु माना जाता है कि देवी शक्ति की जगह है, देवी शक्ति का जब आह्वान होगा तो वो इस बिंदु के अंदर होगा। अब आपको इस पूरे यंत्र को जो आपने बनाया है कॉपर की प्लेट में, इसको आपके रूम में या फिर आपके मंदिर में जहां आप हर रोज दिया जला सके ये जरूरी है, उस जगह पर आपको रख देना है। आप नीचे कोई भी एक व्हाइट या फिर रेड कपड़ा बिछा सकते हैं और उसके ऊपर रख सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप इसको रख रहे हैं मंदिर में या फिर आपके रूम में कहां पर भी, तो आप जब इसे रखें तो ये जो ट्रायंगल है अंदर ये आपकी साइड पॉइंट होना चाहिए, सामने की साइड पॉइंट नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल का जो पॉइंट है वो आपकी साइड होना चाहिए। इसको आप रख सकते हैं और फिर इसके सामने दिया जलाना है। जब भी आप इस साधना को करने बैठते हैं, साधना में क्या करना है तो इस वीडियो के बाद 32 नाम जो है उनके वो 3 बार गाए जाएंगे आरती के रूप में। आपको दिया जलाना है, उसके सामने आप आरती कर सकते हैं या फिर आप ध्यान में बैठ सकते हैं, केवल इतना करना है। ये 32 नाम 3 बार गाए जाते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन हर रोज 3 बार एक साथ गाए जाएंगे। आपको बस कान में ईयरफोन्स लगाकर सुनना है या फिर आप ध्यान कर सकते हैं या फिर आप आरती कर सकते हैं, बस इतना करना है इस यंत्र के सामने बैठकर, और 9 दिन के अंदर देवी का आह्वान होगा और ये आपको फील होगा ही होगा। ये साधना बहुत ही पावरफुल है, आप डायरेक्टली हर रोज उस आरती को ही सुन सकते हैं, ये सब कुछ आपको सुनने की जरूरत नहीं है। दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी, दुर्गा तोनू,
दुर्गा निहंती दुर्गा मापहा दुर्गा मध्यानदा दुर्गा दैत्यलोक दवादला दुर्गा मा लोका दुर्गा मात्मा स्वरूपिणी दुर्गा मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गम श्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यान भासी दुर्गमोहा दुर्गम दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंती दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमाग्नि दुर्गमता दुर्गमया दुर्गमेश्वरी दुर्गा भीमा दुर्गा भामा दुर्गा भा दुर्गदारिणी दुर्गा ते शमनी दुर्गा पद्मी निवारिणी दुर्गम छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गा नाशिनी दुर्गा तो धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोक दवादला दुर्गमा लोका दुर्गमात्मा स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यान भासी दुर्गमोहा दुर्गम दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंती दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमाग्नि दुर्गमता दुर्गमया दुर्गमेश्वरी दुर्गा भीमा दुर्गा भामा दुर्गा भा दुर्गदारिणी ॐ दुर्गा दुर्गा ते शमनी दुर्गा पद्मी निवारिणी दुर्गम छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गा नाशिनी दुर्गा तो धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोक दवादला दुर्गमा लोका दुर्गमात्मा स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यान भासी दुर्गमोहा दुर्गम दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंती दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमाग्नि दुर्गमता दुर्गमया दुर्गमेश्वरी दुर्गा भीमा दुर्गा
दुर्गा भामा दुर्गा भा दुर्गा दारिणी ओम शांति 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 ही।